आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, यह तालिका 6 वर्ष के दौरान विभिन्न शोरूम में बेचे गए कारों की संख्या को दर्शाती है। आपके पास 3 शोरूम है ए, बी, सी और आपके पास वर्ष है 6 वर्ष 2011 से लेकर 16 तक। कहा गया है कि वर्ष 2014 और 16 में शोरूम बी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या, 2015 और 16 में सी द्वारा बेची गई कारों की संख्या का अनुपात क्या है। ऑप्शन है आपके 86:97, 88:97, 85:97, 88:95। देखिए स्टूडेंट्स, करना क्या है आपको, 2014 में बी जो शोरूम बी है उसने कितनी कारें, 2480 कारें उसने अपनी सेल कर दी, मतलब बेच दी 2014 में बी शोरूम ने। अब इसी तरह 2016 की बात करूं तो 2016 में बी शोरूम ने क्या काम किया, बी शोरूम ने 2016 में अपनी 400 कारें सेल कर दी, तो टोटल मिला के आपका 880 कारें सेल हो चुकी है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की, 2015 में सी टाइप की कारें, 2015 में सी टाइप ने 540, उसी तरह 2016 में सी टाइप यानी कि सी शोरूम ने कितनी कारें बेच दी, 2016 में सी ने 430, तो ये कितना हो जाएगा टोटल आपका, ये हो जाएगा 970। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब बात करते हैं रेशियो की, क्या रेशियो की, रेशियो कितना होगा, तो रेशियो होगा आपका 880:970, 0 से 0 कैंसिल हो गया, अभी दोनों नंबर किसे डिवाइड नहीं होंगे, फाइनली 88:97 ये आपका फाइनल आंसर होगा, जो आपका ऑप्शन बी है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।